नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हम हैं सीकर को शिक्षा नगरी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इंस्टीट्यूट CLC में, जहां JEE मेंस 2024 के परिणाम आने के बाद में इसमें सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है। तो ये चलते देखते इस कार्यक्रम को और बात करते हैं JEE मेंस के एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और CLC के डायरेक्टर इंजीनियर श्रवण चौधरी से, और उनसे जानते हैं क्या खास रहा CLC के लिए JEE मेंस 2024 के परिणाम। मैं भलवान सिंह, निवासी बनगोठड़ी, जिला झुंझुनू से। मैं CLC से 2020 से जुड़ा हूँ। मेरी एक बड़ी लड़की, लड़के से बड़ी लड़की है, जो 2023 में SMS मेडिकल कॉलेज में है, नीट CLC से की है, और लड़का एक साल से CLC के अंदर कोचिंग की है, जिसमें JEE क्वालिफाइड किया, जिसने 96.5% प्राप्त किया। CLC टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हेमराज सोनी, मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा बच्चा है श्रीधर सोनी, जो CLC के अंदर विद CLT JEE की तैयारी कर रहा था, उसका स्कोर भी अच्छा हुआ। वैसे CLC का बहुत धन्यवाद है, इसमें पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, इनका व्यवहार भी अच्छा है, और इनका जो भी है वो बहुत एकदम एक्टिव है। जय CLC। मेरा नाम सनोक यादव, मैं कोटपुतली से हूँ। मेरे बच्चे का नाम लक्ष्य है, और 11th में मेरा बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आ गया था, और बहुत अच्छा स्कोर रहा मेरे बच्चे का, 98.79 रहा, और बॉस का और सभी टीम का बहुत बढ़िया। अभी हमारे साथ JEE मेंस 2024 में सिलेक्टेड CLC के वो होनहार छात्र हैं जिन्होंने 99.50 से ज़्यादा परसेंटाइल हासिल किए हैं, और CLC के ऐसे 8 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 3 हमारे साथ हैं, प्रशांत, गणेंद्र और मुकुल। आप बड़ी दूर से आकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, आप धौलपुर से, आप गंगानगर से और आप रेवाड़ी से हैं। तो सबसे पहले प्रशांत, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से CLC आए, यहाँ पर आप पढ़े, आपका सिलेक्शन भी हो गया, क्या अच्छी ऐसी चीज़ लगी आपको CLC की जिसकी वजह से आपने यहाँ एडमिशन लिया? CLC का एक तो कैंप सिस्टम बहुत अच्छा है, और दूसरा डाउट काउंटर की जो सुविधा है, टीचर रात के कैंप में भी डाउट सॉल्व करने के लिए मौजूद रहते हैं, इस वजह से मैं CLC में आना प्रीफर किया। अच्छा, आपका क्या कारण था CLC में आने का? जी, CLC का जो मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया है, मतलब हर एक बच्चे पे अच्छे से ध्यान दिया जाता है, और जो CLC का रिविज़न प्लान है वो बहुत बढ़िया है। मतलब पूरे साल भर अपन 12th पढ़ रहे हैं, तो 11th का काफ़ी अच्छा रिवीजन हो रहा था, लास्ट में कोई दिक्कत नहीं आई इसलिए। अच्छा, CLC के ना नाइट कैंप के बारे में हमने बहुत सुना, आपने अटेंड किया था नाइट कैंप? यस सर, नाइट कैंप अटेंड किया था। अच्छा, जो पूरे दिन आप पढ़ाई करते थे, हॉस्टल में भी पढ़ते, यहाँ नाइट कैंप में भी आके पढ़ाई करते, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में आप मेरे को बताइए। नाइट कैंप में पढ़ाई जो है वो सर ज़्यादा अच्छी होती थी, क्योंकि यहाँ पर वो माहौल होता था, कमरे में सब बच्चे साथ बैठ के पढ़ रहे होते थे, तो यहाँ पर उनको देख के पढ़ने का मन करता था, रूम पर तो फिर भी इधर उधर मन चला जाता था, लेकिन यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है नाइट कैंप में। अच्छा, तो उसके बीच में अगर आपको कोई डाउट हो जाए, आपको फैकल्टी से कुछ पूछना करना हो, तो नाइट कैंप तो रात को 12-1 बजे तक चलता है, तो उसमें आप कैसे फिर फैकल्टी से पूछेंगे? फैकल्टी नाइट कैंप में राउंड पर भी आती है, और अगर कोई डाउट रहे तो अगले दिन क्लास में, फिर अगले दिन सुबह ही डाउट काउंटर होता है, वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। हॉस्टल में जब रहते हैं ना, तो हॉस्टल का रहने का और हॉस्टल के खाने का ये सब भी एक बड़ा फैक्टर होता है, कई बार होता है कि बच्चों को वो पसंद नहीं आता। CLC में कैसा था? CLC में मुझे खाना एकदम अपने घर के जैसा लगा, CLC में अच्छा खाना है, बहुत अच्छा खाना है। और हॉस्टल में भी मैं अपने वार्डन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैंने पढ़ाई की हॉस्टल में रह के और कैंप में रह के। आप मतलब JEE में सेलेक्ट हुए, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके वार्डन का भी रोल है? जी हाँ। अच्छा, आप बताएं, जैसे बाकी जो फैकल्टी है, जैसे इंजीनियर श्रवण चौधरी जो सोचते हैं या उनका जो विजन है, उसको कॉम्प्लीमेंट करना होता है बाकी फैकल्टी को, ताकि वो जो सोच रखे हैं वो रिज़ल्ट बच्चों को दे सके, बच्चों के थ्रू है ना दे सके। फैकल्टीज़ यहाँ पर कैसी हैं, क्या वो इतनी क्वालिफाइड हैं कि आप बच्चों को JEE और नीट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर सकें? हाँ, मतलब टीचर ऐसे हैं कि जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं एकदम, मतलब बहुत मेहनत करते हैं टीचर हमारे साथ, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं हमसे ज़्यादा दुगनी मेहनत करते हैं, और मतलब हर एक बच्चे पे ध्यान देते हैं, पूरा डाउट सोल्व करते हैं, और एकदम मतलब बढ़िया फैकल्टी है, कोई भी हमें मतलब दिक्कत नहीं आती, पूरा समझ में आता है सब कुछ बढ़िया। ठीक है, आप अब आगे क्या करने का आपका प्लान है, लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? आप लाइफ का अल्टीमेट गोल तो सर
वो जेईई एडवांस क्लियर करके और आईआईटीज में, पहले तो आईआईटी को इंजॉय करना है क्योंकि वो सपना नाइन्थ क्लास में तब उसी का देखा था, तो पहले आईआईटी को इंजॉय करना है, फिर उसके बाद आगे तो आगे जाके तब देखेंगे। आप बताओ अपनी लाइफ के अल्टीमेट गोल। यही मेरा भी आईआईटी के अंदर, मतलब मैंने ज़्यादा पहले नहीं देखा था लेकिन टेंथ में अपना सपना देखा था आईआईटी का मेरे भाई को देख के। उस मतलब उसने ट्रिपल आईआईटी में गया, वो नहीं जा पाया, लेकिन मैंने सोचा मैं जाऊँगा आईआईटी में, तो मैं टेंथ से देख रहा था और अभी तो मेरे को आईआईटी में जाना है बस। मेरे ताऊ जी के लड़के का 2012 में आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था, तो मैं उनसे इंस्पायर होके मेरा भी ये सपना आईआईटी में जाने का है और इसी वजह से मैंने सीएलसी को ज्वाइन की, वे भी सीएलसी से ही थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके पेरेंट्स को जब ये पता चला कि आपने क्लियर कर लिया है, आपका सिलेक्शन हो गया, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा, उनका रिएक्शन कैसा? उनका रिएक्शन भी बहुत पॉजिटिव था क्योंकि हमारे साथ पेरेंट्स ने भी मेहनत की है, उन्होंने हमें मतलब कि यहाँ पर भेजा है, तो उसके लिए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके पेरेंट्स के बारे में? मेरे पेरेंट्स बहुत बहुत खुश हुए थे जब मैंने उनको बताया था कि मेरा ये रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया रैंक आई है। तो वैसे भी मतलब मैं गांव में रह रखा हूँ, तो सभी से मतलब बधाइयाँ वगैरह मिली घर के, तो घर वाले बहुत खुश हुए और घर वालों ने मेरे को पूरे मतलब जित मेरी तैयारी के दौरान बहुत सपोर्ट किया, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे घर वालों ने भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया था, उन्होंने पहले कॉन्ग्रेचुलेशन किया था कि ये अच्छा हो गया और फिर ऐसे बोले कि अभी एडवांस में, हमें इससे और अच्छा करना, एडवांस के लिए और मोटिवेट किया था। तो आपके सीएलसी अब आपको एडवांस में सिलेक्शन कराने के लिए क्या प्लान कर रही है, किस तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे? जी अभी देखो डेली सुबह कैंप होता है, कैंप में हम पढ़ते हैं, हमें डीपीपी दी जाती है, उसके बाद शाम को उसका सॉल्यूशन होता है, डीपीपी का पूरा सॉल्यूशन होता है, उसके बाद रात को वापस कैंप होता है, फिर हम वापस डीपीपीज वगैरह सोल्व करते हैं, पीवाईक्यू वगैरह सोल्व करते हैं, और जो भी डाउट आते हैं टीचर राउंड पे भी आते हैं, हमें अगर कुछ भी जरूरत हो तो हम डायरेक्ट जाके भी पूछ सकते हैं, तो बस जुड़े हुए हैं सारे के सारे, मेहनत कर रहे हैं। बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एडवांस भी क्लियर करें और अपने घर वालों का सीएलसी का नाम आप रोशन करें। अब बात करते हैं इंजीनियर श्रवण चौधरी से, जिनकी देखरेख में ये सभी स्टूडेंट्स ने अपने जेई मेंस 2024 के एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अब एडवांस की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। जेई मेंस 2024 के जो परिणाम है उसके बारे में हमने सुना, हमने स्टूडेंट से बात करी। अब इंजीनियर श्रवण चौधरी से मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपके बच्चे जो इतना अच्छा रिजल्ट दिए हैं उसके लिए कैसे आप बच्चों से तैयारी करवाते हैं, क्या उनकी प्लानिंग रहती है, कैसे शेड्यूल करते हैं, क्योंकि हमने नाइट कैंप के बारे में भी काफ़ी सुना है, कैसे करते हैं? नमस्कार दिनेश जी, देखो निश्चित बात है कि सीएलसी राउंड तक लोग काम करता है, 24 घंटे हम लोग काम करते हैं, सुबह 7 से लेकर रात को 12 बजे तक बच्चा यहाँ क्लास देता है, कैंप में बैठता है, उसके बाद जेई का रिजल्ट है। मैं जेई की बात करना चाहूँगा, साहिल और समर मेरे दोनों बेटों ने आज के 3 साल पहले ये प्लान किया था कि हमें 3 साल बाद एक अच्छा रिजल्ट निकालना है, तो वो रिजल्ट आज आपके सामने 4 गुना हुआ है, 98% से ऊपर लास्ट एग्जाम हमारे मात्र 17 बच्चे थे, 64 हैं, 67 जो 68, लगभग रिजल्ट 4 गुना हो गया। तो ये एक दिन का प्लान नहीं है, पिछले 2-2.5 साल की मेहनत है, सेपरेट फैकल्टी है, सेपरेट स्टडी मटेरियल, वर्कशीट, और सबसे बड़ी बात है लास्ट ईयर हमने क्या किया दिनेश जी, हमें बहुत जोर आया था हमारी टीम को, लेकिन मेरी टीम बहुत प्यारी है, हमने हमारे सारे स्टडी मटेरियल के सोल्यूशन बना के बच्चे को दे दिए, तो बच्चा कहीं रुका नहीं हमारा, उसी की देन है। और अभी यह बच्चा एडवांस में तैयारी कर रहा है, आज जैसे 28 अप्रैल 2024 को हम लोग खड़े हैं, अब 26 मई को आपका एडवांस का एग्जाम है, तो सुबह से लेकर रात तक बच्चा बैठ के पढ़ता है और पूरी टीम साथ रहती है इसके, जैसे अभी आप देख रहे हो 5 मई को नीट का एग्जाम है, तो राउंड दिख लोग यहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, टीम भी यहाँ रह रही है, बच्चे भी यहाँ रह रहे हैं, तो ये प्लानिंग के थ्रू काम हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे मैनेजमेंट का और हमारी टीम का है, एक टीम स्पिरिट से हम लोग काम करते हैं। यहाँ जब बाहर लोगों से बातचीत होती है तो सीकर को शिक्षा नगरी बनाने में वो अहम योगदान मानते हैं सीएलसी का, लेकिन जब भी आपको सुनते हैं आप बात करते हैं कि ये आपके गुरु की देन है जिसकी वजह से, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं हमें। देखो बड़ी सिंपल बात है कि 1996 में उन्होंने मुझे बीज दिया कि तेरे को जाके कोचिंग स्टार्ट करनी है। माफ़ी चाहता हूँ, ये बीज मैं जुदू लेके जा सकता था, नागौर लेके जा सकता था, जहाँ इस बीज को मैं लगाता वहाँ पेड़ बनता, तो सीकर की धरती का और मेरा कोई संयोग था पूरे जन्म का, ये बीज यहाँ लगाया, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ साहब, यदि इस सीकर शिक्षा नगरी को आप मानते हैं तो इसके प्रेरणा स्रोत प्रेरणा एक ही हैं जिनका नाम है, वैसे नाम बोलता नहीं हूँ मैं, पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी, जिनको बाबा कहते हैं, जिनका 17 अगस्त 2024 को 100वां जन्मदिन है, जिसको उत्सव के रूप में हम सब मनाएंगे और हम उनकी मूर्ति का अनावरण भी कर रहे हैं, हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री उस फंक्शन में आए। बहुत धन्यवाद। तो आज हमने सीएलसी का ना सिर्फ फंक्शन देखा, बच्चों को सम्मानित होते देखा, उनके पेरेंट्स से भी बात करी और इंजीनियर श्रवण चौधरी से भी हमने बात करी, और इसी तरीके से सीएलसी जब भी परिणाम आते हैं उनमें बेहतरीन परिणाम लगातार देते आया है, और इसी का परिणाम है कि आज पूरे उत्तरी भारत सहित भारत के
अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं, उनके परिवारजन इस पर भरोसा करते हैं और लगातार सिलेक्शंस यहाँ से मिलते रहते हैं। CLC के बेसिस हर गुरुवार से शुरू हो चुके हैं, तो अगर आप भी या आपके आस पड़ोस में कोई भी बच्चा CLC आकर पढ़ना चाहता हो तो आप यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ज़्यादा जानकारी अगर आपको ज़रूरत हो तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।